बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। सतगुरु चरण को
करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धने श्री देव चंदीनाम, श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज अक्षरातीत के लाडले श्री सुंदर साहब जी, फाजल का के धर्म प्रेमी साथियों, जब कभी भी फाजिलका में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत सारी धर्म सभाओं का सुनने को मिलता है, और कई बार एक अजाने के रूप में मैंने जाकर धर्म सभाओं को सुना और देखा। दुख इस बात का हुआ कि हमारे ग्रंथ कुछ कहते हैं और सभाएं सुनाने वाले उससे उल्ट बताते हैं। और कोई बात नहीं, जब हमारे गुरुजन हमारे संत पूछिए उल्ट रास्ता बताने पर लग जाएंगे तो जन कल्याण होने की बजाय जन भटक जाएगा। और यही कारण है कि पहले संतों की शरण में, राम भगवान के समय से देखो, गुरु वशिष्ठ का आश्रम, अगस्त मुनि का आश्रम, जंगलों में रहते थे, तपा करते थे, हर राजा उनके चरणों में जाके झुका करते थे। और आजकल संत एमएलओं के चरणों में झुक रहे ताकि एमएलए साहब आ जाएं, हमारे आश्रम की प्रगति हो जाए। जब उल्टी संतों की बुद्धि हो गई तो जगत क्या करेगा। किसी की निंदा नहीं कर रहा, सत कड़वा अवश्य होता है, फिर उस पर बैठ के सोचना कि ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इसी तरह से आइए जरा सतयुग से, जब से वेदों का प्रादुर्भाव भारतवर्ष में हुआ तो वेदों के मानने वालों ने वेदों का उल्ट प्रचार किया। सुनते जाना और विचारना, फिर किसी को संशय हो तो मत सोचो। वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों को जानने वाले, पुराण जिनको कंठस्थ हैं, वे साथी मेरे साथ आए हुए, जिनका नाम राजन स्वामी जी, जिस प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहे वेद से, शास्त्र से, गीता से, भागवत से, पुराणों से, कुरान से और बाइबल से पूछ सकते हो, लेकिन यहां नहीं। उसके लिए राजकुमार जी को मिलिए और राजा भाई को मिलिए, या यहां के जो प्रबंधक लोग हैं उनसे मिलिए, हर एक को समय मिल सकता है। खाली यहां पर प्रवचन नहीं कराया जा रहा, किसी की पहचान कराई जा रही है। जो वेदों में लिखी तो है, पर आर्य समाजों ने वेद का उल्ट रास्ता पकड़ा। घबराए ना वो सुन के, अगर कोई कहां आवाज सुन रहा है तो सोचे जी हमारी निंदा कर रहे। निंदा नहीं कर रहे भाई, हम तो आपके गुण गा रहे हैं कि वेदों के उल्ट चलते हो। गीता के बड़े बड़े यहां भवन बने, गीता से उल्ट प्रचार होता है। भागवत के पारायणों के लिए बड़े बड़े भागवतकार बुलाए जाते हैं, लाखों रुपया दिया जाता है, भागवत का उल्ट प्रचार होता है। एक एक का प्रमाण दूंगा, कलेजा थाम के बैठो, क्योंकि सत्य सुनना बड़ा कठिन होता है। झूठ में हम हाहा और खिलाड़ियां उठाते हैं, ये दर्द की बातें होती, ये खिलवाड़ की बातें नहीं होती, मजाक नहीं होता। क्यों, आइए
जितने मुसलमान हैं, अभी अभी मेरा यूएसए अमेरिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे बड़ी मस्जिद के जो काजी थे, हमने फोन पर उनसे टाइम लिया, 5-6 साथियों को साथ लेकर के गया। कुरान के द्वारा उनसे 6 प्रश्न पूछे गए, बस यही उत्तर देते हैं, दीज क्वेश्चन आर आउट ऑफ अवर कैपेसिटी, वी कांट से एन वर्ड, इन प्रश्नों का जवाब हमारी ताकत से बाहर की बात है, हम नहीं दे सकते। गिरजाघरों में भी गए, पर उन्होंने तो अपनी बाइबल के छीछा लेदर कर रखे हैं, एक बाइबल की 65 बाइबलें बना दी। जो भी राइटर उठता है अपनी बाइबल को सत कहता है, ये हाल हो गया सारी दुनिया का, तो मानवता आए कहां से, मुझे ये बताइए। सब ग्रंथ खोलिए, आ जाओ बारी बारी, धर्म ग्रंथ कहीं कहते हैं झूठ बोलो? धर्म ग्रंथ कहीं कहते हैं कि ये मनुष्य तन, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला झूठ ही में लगने के वास्ते मिला? हमें ये नहीं पता है कि ये मनुष्य तन की कीमत क्या है। हमारी हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति बिल्कुल अलोप कर दी गई, किसने? हम लोगों ने खुद, और पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया। क्या भारत की बहनों का, भाइयों का ये पहरेवा था जो आजकल चल रहा है? क्या हमारा खान पान यही होता था? विचारो, हम वही हैं, लेकिन जिसने अपनी संस्कृति भुला दी उसने अपना खुद सर्वनाश कर लिया। आज हम वेस्टर्न कंट्री के गाने, उनके तरीके, उनके बोलचाल, उनकी तरह से फैशन, उनकी तरह से बाल कटवाने, उनकी तरह से फैशनों में डूब गए। कौन कहेगा कि भारत की धरती पर धर्म उदय होता है और सारे विश्व का कल्याण करता है? सोचिए, आप भारत के रहने वाले हो, अपने कर्मों की तरफ जरा जागिए और फिर जरा ग्रंथों को बिठाओ। भाई, हम दुखी क्यों हैं? गवर्नमेंट क्या दुखी करेगी? हम खुद दुखी हो रहे हैं। क्यों? कर्मों को देखो। और ये मत भूलो, वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है? वेद कहता है कर्म ही सबसे प्रधान, उसके बाद रामायण क्या कहती है, विश्व प्रधान कर्म, विश्व में जो है वही प्रधान है इस दुनिया के अंदर। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की न तस फल चाहे। गुरु नानक देव जी की वाणी को कर्मों को ही महत्ता दी गई, लेकिन इस पर सोचेगा कौन? जो सात्विक भोजन करते। सब कुछ हमने भुलाकर, धर्म भुला दिए, अपने ग्रंथ भुला दिए, और उसके बाद मानवता भुलाकर हमने पशुता को पकड़ लिया। शक्ल जरूर आज मानव की है, इंसान जैसी ये नहीं बदलेगी, जरा अपने अंदर झांक के देखिए, क्या हम मानव हैं? घबराना नहीं, कहना अच्छे महाराज आए हमको पशु बना रहे, ना 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 ना, पशु नहीं बन सकते आप, आपके कर्म आपको पशु बना रहे। कोई ग्रंथ मुझे लाके बताइए जिस जगह ये लिखा हो कि मनुष्य अंडे खाना ठीक है। आज शर्मा और वर्मा 4 अंडों के बिना नाश्ता नहीं करते, बाहर रखा है श्री पीडी शर्मा साहब, छेड़ो नहीं से, और मीट की प्लेटों के बिना हम खाना नहीं खा सकते। भाई छेड़ेगा तो ये ऐसा होता ही रहेगा। अब उसके बाद रात को फिर शराब पिए बिना, दोस्तों की महफल के बिना हमें नींद नहीं आ सकती। अब बताओ अकल रहेगी कहां? जब अकल को जड़ से रंबे के साथ हम ही खोद के नाश कर रहे हैं,
किसके लिए? जिब्बा के स्वाद के लिए? क्या मनुष्यतन जिब्बा के रस पालने के लिए मिला? तो जिब्बा को जो रस सात्विक भोजन दूध से शुद्धि से फलों के रस से मिलेगा, वो क्या मांस और मदरा से मिलेगा? तो फिर इसको भी ना भूलना, जैसा खाओगे बोलते चलो अन्न वैसा बनेगा मन, वैसे कर्म करोगे। कोई मुश्किल काम नहीं। सतयुग का क्या मिलने वाला है जो कभी भी आज दिन तक देवी देवता भगवानों को नहीं मिला? धीरे धीरे सुनते चलो। वो ज्ञान, वो पारब्रह्म अक्षातीत जिसके प्रमाण लाखों हैं ग्रंथों में, कलयुग में कहीं तो लिखा है कल्कि अवतार आएगा, और कहीं लिखा है बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा, कुरान में लिखा है आखुल जमा इमाम मेहंदी साहब आएंगे, भाषा का अंतर है, बात एक ही है, और बाइबल में लिखा है सुप्रीम टूथगार दुनिया में आएगा जो आज दिन तक कभी नहीं आया। पढ़ो रामायण, लिखा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब पंडितों को अर्थ जब नहीं आया तो किस चीज का प्रचार करना शुरू कर दिया, कलयुग में राम भगवान का ही नाम पार कर सकता है। तो जब राम भगवान साक्षात आए हुए थे तो लक्ष्मण ने यही तो कहा था, प्रभु चलिए जरा वन में ले चलो, जब सीता हरण होती राम भगवान उस स्वर्ण के हिरण के पीछे गए, मारीच ने जाल माया का डाल रखा था, लक्ष्मण को फंसा कर भी उनके पीछे भेज दिया। बस इधर से रावण ने मायावी जाल से ऐसा रूप धारण किया, भिखारी का रूप धारण करके सीता की वो रेखा जो लक्ष्मण लगा के गए थे तोड़ा दिया और हरण करके जा रहा। राम भगवान वापस आए, ध्यान से, ये चुटकुले वाला ज्ञान नहीं है भाई, वो हमें नहीं आता, बाजे बजाने और चुटकुले सुनाने वो मन को जरूर भाते हैं, कुछ नहीं मिलता। राम सीता को देख करके व्याकुल हो जाते, खोलो रामायण को पढ़ो और क्या कहते हैं, वो वन की बेला हो, वृक्षों पत्तों तुम ही बता दो, क्योंकि और कोई नहीं था, मेरी सीता कहां है? राम ने ही कभी लक्ष्मण को बता रखा था। ध्यान दो कि संकट कितना भी भारी आ जाए इंसान को धैर्य हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, पजल नहीं होना चाहिए। अब लक्ष्मण कहते हैं ये भगवान है कौन है, मुझे तो ज्ञान देते हैं मुसीबत के समय में, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये तो भगवान है कि इनको औरतों की कमी है, एक औरत के पीछे ये पत्तों से बामरे होके पूछ रहे पत्तों मेरी सीता बता दो। नहीं रहा गया लक्ष्मण से, कहने लगा प्रभु आपने ही तो मुझको ज्ञान दिया था ना कि कितना भारी भी संकट क्यों ना आ जाए, पुरुष वही है जो हिम्मत से उसका मुकाबला करे, फेस करे और अपना हौसला न छोड़े। कहने लगे प्रिय लक्ष्मण मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। अब उसको और शक आ गया कि ऐ प्रभु आप भगवान हैं सृष्टि के, सुनते चले एक एक शब्द प्यार से सुना रहा हूं, क्या आपको औरतों की कमी है? अब राम भगवान का जवाब सुनिए, कहते हैं प्रिय लक्ष्मण सीता मेरी औरत नहीं है, ये राज ये भेद रामायण के कौन खोल के देंगे, साप्ताहिक रामायण करके पैसे बटोरने वाले भूल जाओ,
कोई दर्द वाला ये भेद बताएगा तुम्हें कि क्या ज्ञान ग्रंथों से मिलता है और हम भटक कहां रहे। हम रामायण कराएंगे शो करने के लिए। सेठ कन्हैया लाल ने रामायण कराई, 3 लाख रुपया खर्च कर दिया, वाह 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 वाह। दूसरे ने रामायण कराई 5 लाख कंपटीशन रुपयों का और नाम के जी रामायण हो रही। ये दर्द के ग्रंथ हैं, ये वाह वाह के ग्रंथ नहीं। किसी को आत्म दर्द है ही नहीं तो वो क्या समझेगा संत पुरुषों के शब्द होते क्या है। फिर कलयुग, अभी उसके भी मैं महिमा बताता हूं। उसके बाद राम अपनी हकीकत बताते हैं। लक्ष्मण, जो ज्ञान मैंने तुम्हें आज दिन तक नहीं दिया, मेरा सृष्टि पर अवतार हुआ है दुष्टों का नाश करने के लिए। सीता मेरे शरीर की पत्नी नहीं, मेरे मन की प्रकृति शक्ति है। मैं इसी दुनिया को बनाता हूं और इसकी शक्ति से दुनिया को मिटाता हूं। ये वो सीता मेरे मन की शक्ति का स्वरूप है। अब बोलो मन की शक्ति कैसे दूर हो सकेगी। लक्ष्मण का संशय और बढ़ गया, कहने के प्रभु मैं तो आपको पारब्रह्म समझ बैठा था, क्योंकि आपने ज्ञान दिया था। ध्यान से मेरे साथियों कि इंसान को जन्म मरण से छुड़ाने वाला, कर्मों के बंधन से हटाकर भव से पार करने वाला एक पारब्रह्म है, और मैं आपको पारब्रह्म समझ बैठा था। पर आप तो कहते हो मैं माया बनाता और बोलते चलोगे, जरा जागृति रहेगी और कोई मैं सुनना नहीं चाहता कुछ। जो माया बनाता और मिटाता है वो कभी भी पारब्रह्म हो नहीं सकता। माया मिथ्या है, पारब्रह्म सत्य है। सत्य और मिथ्या, सूरज और रात एक जगह कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। आइए, तब लक्ष्मण कहते हैं प्रभु मैं आपके साथ भाई के नाते से नहीं आया, मैं तो आपको पारब्रह्म परमात्मा समझकर आपकी सेवा के लिए चल पड़ा था कि आपकी कृपा दृष्टि से मैं भव से पार हो जाऊंगा। और आज आपने साफ कह दिया मैं पारब्रह्म नहीं, मैं विष्णु भगवान का अवतार हूं। वो रामायण कहती कि 12 कला का अवतार राम भगवान है और 16 कला के संपूर्ण अवतार जो है कृष्ण है। तुलसीदास जी राम को ही सच्चिदानंद लिख रहे हैं, ठीक है। कई भागवत वाले जो हैं वे कृष्ण को ही अक्षातीत बनाए बैठे हैं। क्यों? ज्ञान है नहीं। दुनिया यहां चल कैसे रही है? चींटी हार ऊंट कतार। जैसे ऊंट 1000 होना, उनको चलाने के लिए 10-50-100 आदमी नहीं चाहिए। ऊंट की नाक में नकेल डाली होती है और पहले ऊंट की दुम के साथ उसे बांध देते हैं। चलाने वाला पहले ऊंट पर बैठ जाता है, उसके पीछे 1000 ऊंट बांध दो, हांकने की जरूरत नहीं। क्यों? नाक की जो ऊंट का नाक है वो इतना कोमल होता है कि उसकी जरा सी बिखचावट जो नकेल डाली होती वो सहन नहीं कर सकता। इसी तरह से हम इंसानों की नाक में नकेल है और गुरुओं के साथ बंधी हुई। हम ये नहीं जानते गुरु धारण कैसे करना चाहिए, जो हमारा कल्याण ही नहीं करते, माया में ही उलझाते हैं। उन गुरुओं को लेके क्या करोगे? हाँ, फोटो खिंचवा के घरों में लगवाना, फिर हार डाला करना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सोचो क्या ये ठीक रास्ते? जिनको ठीक लगता है करो, मना नहीं करने आए। बंधनों से जो प्राणनाथ जी पारब्रह्म क्षातील, कल्की अवतार, बुद्ध निष्कलंक अवतार, आखरुल जमा इमाम मेहंदी ने आकर के रास्ता बताया। दुनिया भी इंतजार कर रही, वो आएंगे आएंगे नहीं। ग्रंथों को उठा के देखो, टाइम लिखा है कब आना है। आए हुए 321 वर्ष हो गए,
प्राणनाथ तन का नाम नहीं है। कई प्रश्न करेंगे आज फिर प्राणनाथ जी कहाँ हैं, तन का नाम नहीं है। पार ब्रह्मक्षातीत नूर में इस रूप से यहां नहीं आ सकते, उनकी शक्तियां अवतरित हुई जिनके द्वारा ग्रंथों में लिखा हुआ था पार ब्रह्म की पहचान जो आज दिन तक कोई करा नहीं सका, खुद कलयुग में आके वो कराएंगे। अपना नाम बताएंगे, अपना धाम बताएंगे, अपना स्वरूप बताएंगे और अपनी लीला बताएंगे। ये चार सवाल जाइए सब दुनिया के धर्म गुरुओं से पूछो, कोई बता दे तो मुझे भी बता देना। निजानंद आश्रम रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर में छोटी सी कुटिया है, वहां रहता हूं। राम भगवान ने यही कहा, हो प्यारे लक्ष्मण जिस पार ब्रह्म का तू ज्ञान सुनना चाहता है अभी त्रेता युग है, प्यारे इंतजार करना पड़ेगा द्वापर युग का और फिर आएगा कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में उस पार ब्रह्म खुद आके अपना नाम बताएगा। अब कई नाम सुनना चाहते हैं लेकिन ग्रंथों को उठाओ, नाम लिखा है, हिंदुओं वाला नाम नहीं होगा, मुसलमानों वाला नाम नहीं होगा। हिंदू जबरन अपने अवतारों के नाम से उसको अक्षरातीत कहें तो ग्रंथों का दोष नहीं, वो जो है वो सबका, बोलो बोलो, जो परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म है वो सबका एक है, भगवान अनेक हैं, ये समझ आ जाएगी तो भगवानों के चक्कर से हम छूट जाए। भगवान अनेक और पूर्ण ब्रह्म एक, कौन सा नाम दोगे? अगर कह देते हो जी कृष्ण अक्षरातीत तो फिर वो एक हिंदुओं का पार ब्रह्म हो जाएगा, सबका नहीं। कृष्ण के सामने तो तुलसीदास जी नहीं झुकते, तो मुसलमान सिख ईसाइयों को कैसे झुका लोगे? अपनी मूड मति के साथ कोई ठोका ठोकी करता फिरे कृष्ण अक्षराती तो करो, मना कौन करता है? तुम मिट्टी के पुतले को रख के कह दो पार्वण तो हम आपको मना थोड़ा कर सकते हैं। ये बुद्धि किस लिए मिली है? पर बुद्धि का तो खुलासा अंडों से कर रखा है, मीट से खा रखा है, शराब से सोचने की शक्ति, कलाएं तो जंगाल खा गई, किससे सोचोगे? राम भगवान ने कहा कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे, वो अपना नाम बताएंगे, फिर जो नर नारी सुमर सुमर नर उतर ही पारा भव से पार हो जाए, उनके नाम सुमरन से ही भव से पार हो जाए। फिर उसके बाद आ जाओ बारी बारी आ जाओ फिर द्वापर युग। कृष्ण की गीता पानीपत के मैदान में चली, क्या कहा? अर्जुन जब मैदानी युद्ध में जाता है, आज गीता भी सुना दूंगा, भागवत भी सुना दूंगा, रामायण भी सुना दूंगा, वेद भी सुना दूंगा, जब सारथी बन के श्री कृष्ण विष्णु भगवान रथ में ले जाते हैं उसको युद्ध के मैदान के लिए, अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं आपके हुक्म को तो अवश्य मानूंगा पर मैंने जिनसे लड़ना है उनकी शक्ति का कुछ नाप तोल अनुमान तो मुझे हो जाए। तो जब तक आगे युद्ध का बिगल नहीं बजा करता था, युद्ध कोई भी नहीं कर सकता था, मुझे जरा मोर्चा बताओ कि मुझे कहां कहां लड़ना है। भगवान कृष्ण रथ को हांक के आगे ले जाते हैं जहां कौरवों के मोर्चे लगे हुए थे। अर्जुन देखता है अरे गुरु भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु अकेले तीनों मोर्चों के ऊपर तीन गुरु खड़े हैं, तो पहले मैं इनको मारूं तो फिर गुरुओं को मारने के बाद तो सीधा बोलो भाई नरके मिलना। तो आके भगवान को कहता है प्रभु यदि मुझे नरक में ही भेजना है तो युद्ध क्यों कराते हो? मैं गुरुओं को मारूं? नहीं मेरे से काम नहीं होगा,
और गुरुओं को मारने के बाद सारा मेरा खानदान खड़ा है कौरवों का, तो कौरवों को सारे वंश को मारूं, गुरुओं को मारूं, मैं तो सोचे भी नहीं मुझे नरक का फाटक खुल जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब रथ वापस ले चलो भगवान। जैसे रथ वापस लाए, रथ से नीचे उतर के तीर कमान रख दिया कि बस महाराज ये युद्ध मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, आप ध्यान के साथ कौन गीता के भेद बताएगा, क्योंकि हम तो पाठ शान के लिए करवाते हैं ना, अच्छा ज्ञाता आ जाए, जो हवा वाह 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 इंटरनेशनल कथाएं सुनाने वाला हो तो मेरी शान हो। शान के लिए ज्ञान नहीं होता मेरे साथियों, ग्रंथों का ज्ञान एकातम दर्द के लिए होता है। अब कृष्ण भगवान वहां गीता पैदा हुई, वहां से गीता ने, तो युद्ध में कोई ज्ञान सुनाया जाता है तो युद्ध का मैदान, और गीता सुनानी पड़ी। क्यों? आज की हार जीत का तिलक अर्जुन को नहीं मिलना, किसको मिलना है? कृष्ण भगवान को मिलना है। देवी देवता आकाश में पुष्प बरसा रहे हैं कि युद्ध जीता जाए, भगवान की जय जयकारा बोली जाए, भगवान को चिंता हुई अब क्या करें। 21 अवतार विष्णु भगवान के लिखे, कभी किसी को भी उन्होंने अपना विराट का स्वरूप नहीं दिखाया। तब ज्ञान सुनाया, हे अर्जुन जिन गुरुओं को तू समझ बैठा है ना, ये पूर्व जन्म के लेने देने का फल है, वो तेरे गुरु बन के आए हैं, और उनके मरने के बाद ना तू उनका चेला बोलो और ना तुम्हारे गुरु, वो अपने कर्मों से जाकर के जो है तन बदलेंगे, तू अपने कर्मों से बदलेगा। कहते प्रभु ये मेरे को कहना बड़ा कठिन है। कहने लगे अच्छा ये गुरु तो मार दिए मैंने पहले ही, तेरे को निमित्त बना रखा, ये मरे पड़े। अब की सकल से आदमी सोचे कि जिंदा आदमियों को कह दे के भाई ये मरे पड़े। कह लगे आजा फिर देख, मजबूर हो गए जब कि भाई आज तो ये मेरी इज्जत पर ही हाथ उठ गया, अपना वैराट का स्वरूप बताया। जो लोग कहते हैं पार ब्रह्म कण कण में, पार ब्रह्म कण कण में नहीं है, आदि नारायण विष्णु भगवान कण कण में। विराट को देखो जाके समझो, गीता को पढ़ो। अब अर्जुन को क्या दिखाया कि एक तरफ से सारी दुनिया जन्म ले रही है और दूसरी तरफ से सब दुनिया कर्मों से मर रही है, फिर कर्मों के हिसाब से योनियां मिलते हैं। ये जो हम अंधे बनते हैं, लूले बनते हैं, लंगड़े बनते हैं, गरीब बनते हैं, अमीर बनते हैं, ये हमारा लास्ट बैंक बैलेंस है। बैंक में जो जमा कराया था वो इस जन्म में चेक काट के खा लो। लेकिन अब गरीब लोग क्या कहते हैं, यार ये मिनिस्टर अयाश बन गए हैं, चोरियां करते हैं, ये करते और ऐसे करते फिरते हैं, वो भाई इस साल की कमाई का, इस जन्म की कमाई का ऐश नहीं कर रहे, पिछले बैंक बैलेंस है। अब जो उनके कर्म है वो अगले जन्म में देखना क्या बनते हैं। कर्मों का फल है कर्म प्रधान, और गीता में भी कहा कि कर्म से ऊंची कोई चीज नहीं दुनिया में। अब आओ, क्या कर्म आत्मा करती? ठहर जाता हूं इसलिए कि थोड़ा आप भी सोचने का जोर लगाएं। कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। कर्म और धर्म, दान पुण्य बुरा अच्छा जो कुछ करते हैं वो हम शरीर से करते हैं, आत्मा कर्मों से रहते। तो अब बताओ कल्याण शरीर का होना है कि आत्मा का होना है? जो सज्जन बार बार उठ के जा रहे हैं जरा बैठने का कष्ट कर लो, कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो। मनुष्य तन मिला है आत्म कल्याण के वास्ते, शरीर का कल्याण तो सारे सातवन लकड़ी में शमशान घाट होना है। चाहे वो संत का शरीर हो, चाहे वो गृहस्थी का हो, चाहे वो राजे का हो, चाहे किसी फकीर और गरीब का हो।
जब अपना विराट का स्वरूप बताया और ये सारा कुछ देखा, कहा अर्जुन देख गुरु जिंदा रखे हुए हैं, तेरे नम्मे तक तेरे हाथों से इनों को मारना है और मरे पड़े हैं देख ले, और तू भी लाखों बार जन्मा है और लाखों बार मरा है, तूने भी आगे चल के मरना है, अपनी मौत देख ले। जब जिंदा आदमी को मौत दिखाई, एक बार के जन्म ने, और बोल लो ध्यान में चीज आ जाएगी, कोई रटाना नहीं है, मैंने कोई काका के पहाड़े नहीं याद कराना। साथियों 84 लाख बार जन्म के, मर के, योनियां भुगत के ये मनुष्यतन आपको मिला है। 84 लाख बार जौन सा मर्जी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, 84 लाख जन्म के फेरे का लिखा है कि नहीं लिखा, तब ये मनुष्यतन मिला है। इतना अनमोल जन्म है, मोह के फंदे में, अपने अहंकारों में, फोकट की अकड़ में हम अटकते फिरते हैं। बहुत नसीब है ऊंचे जिनको कलयुग में मनुष्यतन मिला, भारत की भूमि मिली, क्योंकि उस पार ब्रह्मक्षातीत ने भारत की भूमि पर आना था, आ चुके, आएंगे नहीं, आ गए। कौन आ गए? साहेब आ गए। अब मुसीबत क्या है? लिखे सब ग्रंथों में वो अपने काजियों को ही पूर्ण ब्रह्म कह देते। अमेरिका में क्या 75 आदमियों ने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं ही आखिर जमा इमाम पूर्ण ब्रह्म। लिस्ट छपी हुई है, जो धर्म की खोज में रहते हैं वो जानते होंगे। मतलब ग्रंथों का ज्ञान ले लिया, अपने को कह दिया मैं पूर्ण ब्रह्म। क्या ज्ञान लेने से कोई पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा? समझना, पहचान के वास्ते ज्ञान होता है कि हम भी झूठ के फंदों से हटकर, अनेकों भगवानों को छोड़कर एक बार ब्रह्म को ही पहचान करा ले, जिसको जो है राम भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे लक्ष्मण, उसकी पहचान के बिना कभी भी तू आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकेगा नहीं। अब वही बात कृष्ण कह रहा है। क्या अर्जुन ने जब ये सारा संकट देखा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक बार उसी तरह से आ जाओ जिस तरह से मुझे पहले ज्ञान सुना रहे थे, बस मैंने पहचान लिया आप कौन है। उनका अच्छी तरह से देख ले, मैं ही कण कण में, बोलो बोलो, व्यापक हूं। पार ब्रह्म कण कण में नहीं है मेरे साथियों, भूलना नहीं। फिर उसी तरह से आ गए, कह ले प्रभु मेरे संशय मिट गए, अब मैं समझ गया मेरा गुरु पीरे जन्म का बदला देने के लिए गुरु बना हुआ है, और मैं ये भी जान गया कि मेरा कोई भी शरीरक रिश्तेदार, बोल लो, बाकी बनाए रखना। कबीर जी ने भी कहा, रे भाई जगत है सपना, यहां कोई नहीं, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, अमन देव, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कौन पत्नी बनती है? मानो किसी का हम पैसा लेके 8-10 लाख खा गए, अब दे सकते नहीं, खुदकशी कर ली, समझे चलो बच्चों के तो काम आएगा, हमारी जान छूट जाएगी, ना जान ना छूटेगी। वो बनिया अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी वाइफ बन के आएगा, सेठ बन के घर बैठेगा, तुम्हारी लगेगी नौकरी, 30 दिन को लुकी तरह दफ्तर पीसोगे या फैक्ट्रियों में, तनख्वाह मिलेगी किसको दोगे? भाइयों बोलते दो भाई, मैं तो नहीं लेता आपसे, है किसको दोगे? शांक श्रीमती जी को, वो पूर्व जन्म का बनिया बैठा ठाड़ से, फैशन कर रहा, रंग लीलियां मना ला, तुम कमाओ, दो किश्तें उसकी पूरी करो, जब किस्त पूरी हो जाएगी चुप्पे से चल देगा रोते, अरे मेरी पत्नी मर गई, वो तेरी थी नहीं, अंधे तो होश कर। ये है माया का जाल,
जिसके अंदर हम उलझे पड़े हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मकान, आंखें बंद करके देखो। प्रैक्टिकल यहां कराया जाता है, कथाएं नहीं सुनाई जाती। दो मिनट के लिए आंखें बंद करो, जब अर्थी निकलेगी तो हमारा कौन होगा, फिर टोटल लग जाता है दिमाग में कि मैं भूला हुआ। अभी तो मैं का अहंकार चढ़ा हुआ है, मैं खुद ही चढ़ी हुई है, मैं तू नहीं है इंसान, तू कुछ नहीं है। ये आत्म तत्व का मंच है मेरे साथी। आगे बढ़ो। अब अर्जुन कहते हैं, प्रभु मेरे संशय सारे मिट गए, छोटी सी तमन्ना बाकी है, उसको पूरा कर दो, मैं अभी रथ उठा के धाड़ पार करके रख दूंगा। कहने लगे, बोल भाई तू चाहता क्या है। 15वां अध्याय उत्तम पुरुष की पहचान का, गीता खोलो पढ़ो। क्या मांगता है अर्जुन? प्रभु जब आप ही सबको जन्म देने वाले हैं और आप ही सबको मारने वाले हैं तो बस मुझे जन्म और मरण से छुड़ा के भावसागर से पार। हम और आप खड़े होते तो डिंगे मार के कुछ ना कुछ नुस्खा लड़ा देते, भगवान झूठ नहीं बोल सकते। कहते हैं अर्जुन, पहचान जो पार ब्रह्म भाव से पार करने वाला है वह मैं नहीं। हम भले उनको जबरदस्ती जो है पार ब्रह्म बनाते फिरे, खुली गीता क्या कहता है अर्जुन। 15वां अध्याय मेरे साथियों, 18वां श्लोक, सारी कहां जाके गीता पढ़ोगे, एक ही श्लोक कल खोल के पढ़ लेना। द्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। हे अर्जुन, इस दुनिया के बनाने और मिटाने वाले दो पुरुष हैं, परमात्मा नहीं। एक क्षर पुरुष है जो कण कण में विराजमान है, क्षरा सर्वाणी भूतानि, कण कण में जो व्यापक है वो मेरा स्वरूप है, जो मैंने आपको विराट से दिखाया है। मैं और ये मेरा सारा विराट का महाप्रलय में नाश। गीता, और हम ठोकम ठोका ही कृष्ण को अक्षरातीत बनाए फिरते हैं। बनाओ, भूल है जीवन खो बैठोगे। अब गीता से ही लो ना, कूटस्थो अक्षरा उच्यते। संस्कृत जानने वाले, गीता को जानने वाले सज्जन बहुत बैठे होंगे। जिसको अविनाशी पुरुष कहते हैं, परमात्मा नहीं अभी, वो इस जगत से न्यारा अन्य है। जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म, वो इस जगत से परे, कूटस्थो अक्षरा उच्यते, इससे परे, अविनाशी है, ये नाशवान है। तो अक्षर ब्रह्म अविनाशी, पर परमात्मा वो भी नहीं। अर्जुन घबरा गया, भाई हे प्रभु, ना आप पार ब्रह्म हैं और जो आपको बनाता है और सारी दुनिया को बनाने की शक्ति आपको प्रदान करता है वो भी परमात्मा नहीं, तो कोई है भी? कहने लगे, हां उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्या। अन्या वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्म अक्षातीत है जो हम दोनों से नर है। कहां पर है? निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, वहां पार ब्रह्म अक्षातीत है जहां पर पांच तत्व नहीं। मिटने वाली आकाश, मिटने वाली धरती नहीं, वहां नूर ही। अब लिखा तो है शास्त्रों में नूर, तो दुनिया ने अपनी अकल से अर्थ लगाया, गॉड इज ए डिवाइन लाइट, क्योंकि नूर का अर्थ क्या निकाल लिया कि वो लाइट है, प्रकाश है। कईयों ने कह दिया वो तो प्रकाश है, तेज है, ज्योति में ज्योति समा जाती है, सैड ट्रूथ और अनर्थ है। नूर एक तत्व का नाम है, एक तत्व है वहां, रोज गोल गाते एक नूर से सब जगह उपजे, तो क्या रोशनी से सब जगह उपजे?
नूर एक तत्व है, जैसे यहाँ पांच तत्व है ना, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये पांचों के पांचों नाश होते हैं, बनते और मिटते हैं और जड़ हैं। धरती को बुलाओ, कहते तो है ना धरती माता, बात करो इससे, बुलाओ मुझे दिखाओ, मैं सब कुछ छोड़ के आपके चरणों पे गिर पड़ूंगा। जैसे प्रैक्टिकल प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूं, आप बताओ धरती क्या चेतन है, क्या आकाश चेतन है या जल चेतन है? जल पिए तो कहो कहे यार जल गर्म के वह ठंडा हो जा, करो बातें उसे। वायु क्या चेतन है? सब जड़ हैं। जहां पांचों के पांचों तत्व जड़ हैं तो वहां चेतन कोई भी नहीं। ये जो चेतन हमारे अंदर आपके अंदर है ये आत्मा नहीं, घबराइए नहीं, दिल थाम के बैठो, आज सत्य का ज्ञान सुनने आए हो। कई सोचेंगे भाई अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं था हम जिंदा कैसे बैठे हैं? सोचो विचारो, आत्मा नहीं, आत्मा ना जन्मती है, बोलते चलोगे जरा जागृत रहोगे नहीं तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। आत्मा ना जन्मती है, अगर आत्मा सब के अंदर है तो हम मुर्दे तो नहीं जन्मे थे। बोलो, इंसान का बच्चा जब जन्मता है तो मुर्दा तो नहीं होता, जन्मते साथ ही रोना शुरू कर देता है। अगर उस समय आत्मा अंदर है तो फिर आत्मा जन्मी कि नहीं? बोलो भाई, अगर आत्मा अंदर है तो जन्मी, तो अगर आत्मा जन्मती है तो सारे ग्रंथों का ज्ञान झूठा होता है। जीव जन्मता है और जीव कर्म करके मरता है। जीवो जीवस्य जीवनम्। आज साइंस ने भी सिद्ध कर दिया कि दो सेल मिलते हैं तो तीसरा सेल पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। जिस तरह से आप संशय मिटाने चाहते हैं, यह प्राणनाथ जी का मंच आपके संशय मिटाएगा। तब अब दिल में चाहना उपजती है, फिर पार ब्रह्म मिले कैसे? कर्म करने से नहीं, दान पुण्य से नहीं, यज्ञ करने से नहीं, साधना करने से नहीं, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से। उन भक्ति नौदा से न्यारी है, गुरु के पूजन से नहीं। गुरु केवल वो चाहिए जो पारब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराए, बस, और गुरु से कोई मतलब नहीं। गद्दियों के पूजा बिल्कुल झूठ की पूजा है। पारब्रह्म के ज्ञान को सुनना बड़ा कठिन है, हम गद्दियों के पुजारी हैं, छोड़ना बड़ा भारी हो। ओ लो नया ज्ञान आ गया। हाँ, कलयुग में नया ही ज्ञान आना था, ये मैंने ने ग्रंथ लिखे, पढ़ो। पारब्रह्म सच्चिदानंद आएगा तो सत्य का ज्ञान लाएगा कि झूठ का? बोलो भाई, जब सूर्य आएगा तो अंधकार को मिटाएगा कि वो भी अंधेरा लेके आएगा? इसलिए इस संप्रदाय का आज दिन तक प्रचार नहीं हुआ कि लोग अपनी गुरु आदिता गादी वादिता बरकों का उसमें डूब रहे हैं और आत्म का जो जन्म मनुष्य तन का है उसको गंवा रहे हैं। छोड़ सकते हो तो हौसला करो और अपना संबंध उस पार ब्रह्म से जोड़ो। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु क्या वो पार ब्रह्म भी हमें मिल सकता है? सुनो श्लोक सुनो, मन ग्रंथ कोई बात नहीं होगी। हाँ अर्जुन, लभ्यस्तु, आगे दो श्लोक छोड़ के पढ़ो, लभ्यस्तु प्राप्त हो सकता है। कहने जी वो कैसे? भक्त्या, भक्ति करनी पड़ेगी। कौन सी? अनन्य, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो आत्म के रूप से उस पार ब्रह्म के साथ पल्ला बंधे तो सत का नाता सत से होगा के झूठ से? बोलो जरा, सत का नाता सत के साथ होगा कि झूठ के साथ होगा? पार ब्रह्म सत्य है तो हमारे पास आत्मा भी, आत्मा का नाता जोड़ो, शरीर के बंधन तोड़ दो। हम कहां फंसे हुए? आज मंगलवार है, आज शनिचरवार है, आज रहु हमारे पीछे लगा है, आज केतु हमारे पीछे लगा, कुछ केतु पेतु टेतु कुछ भी नहीं। मन के हारे हारिए और मन के जीते, टांग नहीं तोड़ते, ये संतों के झोंपड़ियों में नहीं जाते, डर के दूर कांपते।
न्यारा ज्ञान है जो सच्चदानंद लाए। तब अर्जुन ने कहा अच्छा प्रभु वो ज्ञान मिल सकता है ना, तो ठीक है अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। पूछा प्रभु तुम गुरुओं को क्यों मरवाना चाहते हो? कलेजा थाम के बैठो भाई। क्या लगे अर्जुन कुल मानव जाति का जो नाश करते हैं पापी गुरु करते हैं, इनको मारना ही एक धर्म का कार्य है। हमने गीता पढ़ी है, पढ़ो गीता। कहने लगे प्रभु पर इन गुरुओं ने तो कोई नहीं पाप किया। कहने लगे नहीं किया, अगर ये तीनों ने जब ज्ञान धृतराष्ट्र को सुनाया था और उसने माना नहीं और ये तीनों दरबार से उठ जाते तो द्रौपदी का कभी भी चीर हरण होता नहीं। ये पाप कलंकित ये तीनों गुरु हैं, इनको मारना ही पुण्य है। है हौसला? हम मारे को तो क्या पापी गुरुओं को छोड़ भी नहीं सकते। हमने गुरु धारण करना होता है खानदान के लिए, हमने गुरु धारण करना होता है बाप दादा के लिए। क्यों भाई? गुरु आत्म कल्याण के लिए करना है कि खानदान के लिए? फिर कहते हो ना, कभी सोचा है? खानदान है, शरीर से है, उसका मानवता ज्ञान भी प्राणाजी देते कि माता है, पिता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। जी जान से उनकी सेवा करो, उनको कष्ट ना होने दो, भाई ये खानदान का एक बच्चे का फर्ज होता है। आइए अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा एक आध चैप्टर कुरान का। अब मुसीबत क्या पड़ गई कि जो रामपो को भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी की जरा रामायण उठाइए, उन्होंने राम भगवान को ही सच्चिदानंद कह दिए। ठीक है, लेकिन पहली चुपाई राम रामायण की वो भी सुन लो। सिया राम सकल जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम पहली चुपाई है रामायण की, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी कल खोल के देख लो कि सारा जगत का जितना नीचे से पाताल तक और आकाश तक सब प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं, वो सब मेरे सियाराम का ही स्वरूप है। मैं नमन करता हूं, जोड़ी जुग पानी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अब चले आना मेरे साथियों, यहां पर जब ऐसे ऐसे महान पुरुष रूढ़िवादिता में फंसे हैं, हम गृहस्थियों को कौन निकालेगा इन बंधनों से? तुलसीदास जी महाराज घूमते घामते कहां पहुंच गए? वृंदावन में। अब अयोध्या का एरिया तो राम भगवान का है, वहां आज भी लोग राम की पूजा करते हैं, पर ये पता नहीं राम है कौन। पहुंच गए वो वृंदावन मथुरा में और वहां तो घर घर में बोलो श्री कृष्ण राधिका जी का स्वरूप है और बड़ा लुभावना है और बड़ा प्यारा प्यारा होता है बाल स्वरूप और मुकुट लगा है, बांसुरी हाथ में रसीला होता है। तो तुलसीदास कहते वाह भाई वाह, मैं तो कृष्ण को प्रणाम नहीं करूंगा, मेरे इष्ट तो बोलो भाई राम भगवान है, मैं कृष्ण को कैसे प्रणाम कर लूं? तो क्या चुपाई लिखते हैं रामायण में, क्या शोभा है आज की, ओ भले बने हो नाथ तुलसी गर्दन तब नवे जब धनुष बाण लोगे हाथ। मतलब धनुष बाण और बंसी को प्रणाम है, उनके स्वरूप की पहचान नहीं। यहां दुनिया डूबी हुई है, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये पारब्रह्म नहीं। अवतार भी जन्मते और मरते हैं, उठाओ गीता। अर्जुन को कहते हैं भगवान, अर्जुन सब जहां जन्मते और मरते हैं, मैं भी तेरी तरह लाखों जन्म लेता हूं और लाखों जन्म भोग के मरता हूं। तभी तो यह विराट का स्वरूप दिखाना पड़ा। अब क्या होता, उनके वरदान से आशीर्वाद से सारथी थे, जीत गए,
एक अर्जुन एक तरफ था, कौरवों को मार गिराया, तीनों गुरुओं को भी मार दिया। अब जीत का यज्ञ तो रचना था, ध्यान दो, चिंता मत कीजिए, समय हो गया, एक ठिकाने विषय कर लूं, बाकी का आपके चरणों में कल रखूंगा। तो अब यज्ञ करना है, दादा भीष्म पितामह 18 दिन तक तीरों की शैया पर पड़े, सत्यवादी धर्मनिष्ठ और उसकी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला दूसरा व्यक्ति आज दिन तक भारत में नहीं हुआ, भीष्म पितामह। गए मिलकर जाके चरणों में प्रणाम किया कि दादा श्री यज्ञ रचाना चाहते हैं, पर आपकी ये दशा देख के हम कैसे यज्ञ करें, बता तो दो। इस जन्म तो हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप जैसा कोई धर्मनिष्ठ है नहीं, तो फिर ये सलाह क्यों, वहां क्या कहते हैं। कृष्ण प्रणामियों ने यह श्लोक पकड़ रखा, एको अपि कृष्ण सकृतो प्रणामा दश अश्वमेधी भवथेन तुल्या, दश अश्वमेधी भवथेन तुल्या कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवा। कहते भाई ये सामने जो श्री कृष्ण खड़े हैं आदि नारायण के स्वरूप, ये पारब्रह्म की पहचान नहीं, ये उनके दादा श्री ओ कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण नारायण का स्वरूप है उसकी पहचान करा। एकोपि कृष्णस्य कृतो प्रणाम, इस आदि नारायण के स्वरूप को जो पहचान कर एक बार प्रणाम कर देता है तो उसको 10 अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। यदि वैसे कोई 10 अश्वमेव यज्ञ करे तो उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। और ध्यान दो, ये जब तक नारायण भगवान वैकुंठ में, वो वैकुंठ में चला जाता है। अब उसका अर्थ अनर्थ करके लोगों को बहकाया जाता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, वो अक्षरातीत। ध्यान दो मेरे साथियों, बस आखिरी विषय, पारब्रह्म नाम तत्व गुण और खट प्रमाण से परे है। अब रखो क्या नाम रखोगे, नाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नाम आत्मा का होता है कि शरीर का, बोलो तो बताओ आत्मा का नाम क्या है। आत्मा का नाम वही है जो सूरज और सूर्य की किरण, ये उस पारब्रह्म सच्चिदानंद के साथ आत्मा का संबंध होता है। तो उसका अब नाम अगर हिंदुओं वाला रख दे, क्योंकि हर कोई चाहता है, तो वो परमात्मा एक कम्युनिटी का, एक समाज का हो जाएगा। और बाइबल कहती है दी गॉड विच रिलेट्स ओनली ए वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो परमात्मा एक कम्युनिटी का, एक समाज का है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो नहीं सकता। इसलिए गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, नानक एको सुमरिए, किसको सुमरण करो, जन्म मरण दुख जाए, और दूजा काहे सुमरिए, जन्मिए ते मर जाए। पर उसको पहचाने कौन, हम तो अपने अपने गुरु गुरुगदों को ही, बस वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हमारा छक लिया बस हो गया जी, सब गलत गलत और गलत। वाणी से बात करूंगा सिख भाइयों के लिए, ओ खसम पहचाने ते शाबाश, पढ़ो है गुरुवाणी, खसम पहचाने ते शाबाश, ओ इंसान ना पहचाने ते कमजोर। क्या खसम को पहचान लिया, अकल अंडों वाली है ना, सोचेंगे यार औरतों के खसम तो सुने सी, ये महाराज साढ़े मर्दा दे भी खसम बनाई फिर दे। ये जो मर्द और औरतें बनी हुई है मिट्टी के पुतले हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी को, मिट्टी का एक चक्का चक्के पे चढ़ाता है ना, कुछ के लोटे बना देता है, कुछ के कुल्लो बना देता है, इसलिए बनावट में कुछ औरतें बन गई हैं और कुछ लोटे बने बैठे हो। आत्मा ना औरत है, आत्मा ना मर्द, वो आत्मा का स्वरूप है, पहचान में आई। अब आत्मा के पारब्रह्म कौन है,
उनका नाम क्या है जो उन्होंने खुद आके बताया। वो दुनिया वालों, भगवानों के नामों से झगड़े में पड़े हुए मर रहे हो, अपने अपने भगवान के नाम की लड़ाइयां कर रहे हो। निज नाम श्री जी साहेब जी, मेरा नाम साहेब है, मैं सब नौ जाति पाति। इसलिए निजानंद संप्रदाय के अंदर कोई जाति पाति, कोई नीच ऊंच, कोई सेठ कोई अमीर गरीब की कोई जगह नहीं है। क्योंकि नीच ऊंच सेठ गरीबी ये हमारे शरीरों का कर्म है। आत्मा सबकी, बोल तो लो भाई, आत्मा सबकी एक है, और जो आत्मा का खसम है वही प्राण है। हम प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को आत्म के सम्मान से कहते हैं, वो उनका कोई शरीर का नाम नहीं। प्राणनाथ जनाब जी नेम ऑफ ए बॉडी, प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है। जैसे हिंदी में एक पत्नी अपने पति को क्या कहती, प्राणनाथ। तो आत्मा साहब की कोई सिख हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा का कोई सवाल ही नहीं है। जो सबकी आत्माओं का मालिक है, खसम है, स्वामी है, साहेब है, वही प्राणनाथ है।